हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को NIT सिक्किम की कट ऑफ्स बताऊंगा, सभी ब्रांचेस की और सभी कैटेगरीज की लास्ट राउंड की, मतलब स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ्स बताऊंगा। और ये 2021 की कट ऑफ्स है लास्ट ईयर की, क्योंकि यार अभी इस साल की कट ऑफ्स आई नहीं है और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ होती है वही नेक्स्ट ईयर की होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको इस वीडियो को देखने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको NIT सिक्किम में आपके कैटेगरी में कौन सी ब्रांच मिल रही है, या फिर जो JEE मेंस देंगे इन फ्यूचर या जो आगे एस्पायरेंट्स हैं उनको ये आइडिया लगेगा, कि हमें कितनी रैंक टारगेट करना है, कितना एम करना है हमारी अपनी कैटेगरी में ये ब्रांच लेने के लिए। तो ये NIT सिक्किम है, आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो नॉर्थ ईस्ट के NIT अभी इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, न्यू NIT है, लेकिन फिर भी NIT है, तो अपने स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो और प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, वैसे डिसेंट प्लेसमेंट हो जाती हैं, लो NITs में से आता है, आप सबको पता है। वीडियो स्टार्ट कर दी है हमने, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली लेके आता रहता हूँ। कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेके नहीं आता। और ये अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी CRL है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, कैटेगरी रैंक जोसा में होती है, ये CA से भी है, मैं आपको समझा देता हूँ। आप सब JEE मेंस JEE एडवांस देने के बाद आप काउंसलिंग करवाते हैं एडमिशन के लिए हर जगह, तो जोसा काउंसलिंग सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है JEE मेंस JEE एडवांस के बाद। उसके अंदर अगर आपको 6 राउंड होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 राउंड में अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिलती या फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने सीट से, तो आप स्पोर्ट राउंड के लिए जाते हैं, CA CB राउंड, वो स्पेशल राउंड होता है, उसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखो यार, ये सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग आता है, इसमें AI कोटा, ऑल इंडिया कोटा, SC टाइप है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, और जनरल जो है न्यूट्रल है। ओपनिंग रैंक जो है वो 1,78,000 है और क्लोजिंग जो है 1,79,000 है, ये SC के लिए है, जनरल नहीं है। तो अब नेक्स्ट है ऑल इंडिया ST, इसमें देखो 1,76,000 पे ओपनिंग है और क्लोजिंग 1,76,690, मतलब 1 ही स्टूडेंट का है, 1 सीट लेफ्ट हुई है, ज़्यादा सीटें लेफ्ट नहीं होती हैं स्पोर्ट राउंड तक, आप सबको पता है कहीं कहीं फुल भी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि हमें ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होता, क्लोजिंग से ही होता है। अब आते हैं हम होम स्टेट में, होम स्टेट भी है इसके अंदर, ऑल इंडिया आता है और अदर स्टेट भी है। होम स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ जनरल है, ओपन मतलब जनरल, HS मतलब होम स्टेट, यहाँ पे जेंडर मतलब कि जनरल के लिए यार देखो 4,97,000 आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग जो है वो 6,49,000 है। तो इनको यार नॉर्थ ईस्ट NITs में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यार सबसे पहली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के NIT में यार स्टेट्स जो होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, बहुत छोटे होते हैं, प्लस उनके अंदर पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे जो होते हैं ना स्टूडेंट पढ़ने वाले इन अकॉर्डिंग, मतलब पढ़ने वाले वहाँ भी होते हैं ज़्यादा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स थोड़े कम होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो NITs में उनको मिलने के चांस रहते हैं। अब देखो फीमेल के लिए 6,28,000, इवन इसमें तो मेल के लिए भी बहुत ईजी, मतलब समझो यार इतने कम 20% जनरल के लिए, 15, 10 इवन जो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे उनको मिल रहा है यहाँ पे। और अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अगेन स्ट्रगल करना पड़ता है, 67,000 है। तो यार अदर स्टेट में तो पॉपुलेशन ज़्यादा पूरे ऑल इंडिया की आ जाती है इसके अंदर। अब देखो यार होम स्टेट में भी इसके अंदर SC ST PWD नहीं है, क्योंकि यार सीट फुल हो जाती हैं, आप सबको पता है ये बात, मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि यार ये स्पोर्ट राउंड है, स्पोर्ट राउंड तक तो बहुत से, और आपको अगर आपको आपकी कैटेगरी जाननी है तो कमेंट में बताना या फिर इंस्टा पे DM कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी Insta ID की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम सभी का फेवरेट कंप्यूटर साइंस, इसमें होम स्टेट के लिए आया ही नहीं आया है, देखो यहाँ पे सॉरी जनरल के लिए नहीं आया, होम स्टेट में सीट फुल हो चुकी है, बहुत जल्दी फुल जाती है CS में, आप सबको पता है। ST के लिए है होम स्टेट में शेड्यूल ट्राइब, इसमें 1,79,223 पे ओपन है और वहीं पे क्लोज है, मतलब एक ही सीट वो थी वो भी फुल हो गई। अदर स्टेट की यहाँ बात करें जनरल में 29,000 है, देखो यार 30,000 है, तो अगर आपको CSE चाहिए NIT में तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। OBC में 30,000, अगेन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारी CRL हैं, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, लेकिन आपको कैटेगरी के आपके अपने कैटेगरी की बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं। जहाँ पे जनरल में 29,000 है वहीं OBC में 30,000 है, SC में 1 लाख के ऊपर चला गया, तो आपको आपकी कैटेगरी का रैंक बेनिफिट मिल रहा है कैटेगरी का, लेकिन ये CRL एक्सेप्ट करता है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, जोसा कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट करता है और ये CRL करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, इसमें ऑल इंडिया SC का 1,51,000 है, हम क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे जो राइट में है, और ऑल इंडिया SC फीमेल 2,21,000 है। होम स्टेट जनरल के लिए 4,98,000 है, अप्रोक्स 5 लाख है यार इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच में, मैंने अगेन बता दिया है रीज़न आप सभी को, बाकी मैं सीट फुल हो चुकी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इंस्टा पे DM कर देना या फिर कमेंट में बता पूछ लेना। अदर स्टेट की यहाँ बात करें जनरल के लिए तो 54,992 अप्रोक्स 55,000 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे ब्रांच, लेकिन आप ज़्यादा इसके तरफ मतलब मैं ये कहूँगा कि आप एक अच्छे कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, इवन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो इससे अच्छे हैं और CS और अच्छी ब्रांच आपको प्रोवाइड करते हैं IT इलेक्ट्रॉनिक्स।
दिल्ली के अंदर ही। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, इसके अंदर ऑल इंडिया SC 1,24,000 है, SC ऑल इंडिया SC फीमेल 1,45,000 है। होम स्टेट की वहीं बात करें जनरल में तो 2,06,000 है, तो होम यार देखो 2,00,000 से ऊपर है इसके अंदर। अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 41,000 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पे, और आपको जब भी ये वीडियो की ज़रूरत पड़े आप देख सकते हैं, आप सेव करके रख सकते हैं इस वीडियो को और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और आप अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें ऑल इंडिया जनरल के लिए 57,000 है, ऑल इंडिया SC के लिए 1,50,000 है, ऑल इंडिया SC फीमेल 2,21,000 है। आपको बेनिफिट पूरा मिल रहा है आपके कैटेगरी का, बस ये कि CRL एक्सेप्ट हो रही है। ऑल इंडिया ST 2,47,000 है, क्योंकि यार सीटें कम बच जाती हैं। होम स्टेट जनरल की बात करें यहाँ तो 7,44,000 है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वहीं अब बाकी फुल हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत लो कट ऑफ जाती है। और अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ अगेन 61,000 है, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, 10 गुना से भी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू होम स्टेट। तो आप सब समझ सकते हैं इस बात को। और अब यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, क्योंकि ये न्यू NIT है तो ब्रांचेस कम है। वीडियो अगर जरा से ही पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली लेकर आता हूँ। कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेकर नहीं आता, आज मुझे पता है आप सबको पता है 2-3 दिन से मैं वीडियोस लेट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ। और यार कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, DM कर देना वहाँ, अगर कुछ भी बताना या पूछना हो तो कमेंट में भी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।